कोरोना की खतरनाक रफ्तार, देश में 79% बढ़ गया संक्रमण। नमस्कार, मैं हूं अंशु, आप सभी का स्वागत है ई इंडिया न्यूज चैनल पर। देश में फिर लौट आया है कोरोना का खतरा। कोरोना वायरस के एक्टिव की संख्या तेज रफ्तार से सामने आ रही है। रोज 5000 से ज्यादा मामले दर्ज किए जा रहे हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 484 मामले सामने आ गए, जिसमें से 3 लोगों की कोरोना वायरस होने के कारण मौत हो गई। दिल्ली में अब तक के 3886 कोरोना वायरस संक्रमित के केस दर्ज किए गए हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 328 कोरोना वायरस आए हैं, इसमें से कोरोना के चलते एक की मौत हो गई। महाराष्ट्र में अब तक एक्टिव मामलों की संख्या 6155 है। पंजाब में 85 में मरीज मिले हैं, जिसमें से 3 की मौत हो गई। और नोएडा में 24 घंटे के अंदर 31 नए मरीज मिले हैं और एक्टिव मामलों की संख्या 302 है। साथ ही केरल में अब तक सबसे अधिक मामले कोरोना वायरस के एक्टिव लोगों की संख्या 112,086 है। भारत में 3 अप्रैल से 9 अप्रैल तक कोरोना वायरस से 67 लोगों की मौत हुई। देश में फिर एक बार मॉक डील की जाएगी। मॉक डील का आज दूसरा दिन है। हालत को देखते हुए मॉडल को आयोजित किया गया। केंद्र सरकार ने कई राज्यों में कोरोना के नियम फिर से लागू कर दिए हैं। साथ ही में कहा कि अस्पताल में जो भी आएगा, चाहे मरीज हो चाहे कर्मचारी, वे मास्क लगाकर ही अस्पताल में प्रवेश करेगा। 60 साल की उम्र से ज्यादा लोगों के लिए मास्क जरूरी कहा गया है। ऐसे ही ताज़ा न्यूज़ अपडेट पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ ई इंडिया न्यूज़ चैनल के साथ।